नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाई एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, यानी कि विवाह से संबंधित फलों को कैसे हम देखते हैं। यानी कि इसके लिए जो प्राइम कस्प है वो है सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड, यानी कि जो आपका सातवां घर है उसका जो उप नक्षत्र स्वामी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो आपको ऐसे प्रोमिस दिखाएगा जैसे विवाह में डिले होना, विवाह समय के अकॉर्डिंग होना, साथ में जो है विवाह में कोई अड़चने आती है, या विवाह के जो ग्रह बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, वो सेवंथ कस्प सब लॉर्ड हमें दिखाएगा। यहाँ पे हमें प्रोमिसेस मिलेंगे और इसका समय कब आएगा यानी कि विवाह कब होगा, तो वो हमें दशा अंतर्दशा और ग्रहों के गोचर और ये आपके जो ग्रह सिग्निफिकेटर्स हैं वो आपको बताएंगे। अब विवाह के अंदर जो है वो हमारे को कौन कौन से भाव जो हैं वो फायदेमंद होते हैं और कौन से भाव जो हैं वो नुकसान देते हैं, यानी कि विवाह को काटते हैं, और साथ में कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, ग्रह के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है शुक्र। शुक्र जो है वो हमारे वैवाहिक जीवन का कारक है। हमारे जीवन में जो विवाह का जो सुख है, चाहे वो औरत हो या फिर पुरुष हो, दोनों के अंदर जो है वो शुक्र की योग्यता बहुत ज़्यादा होती है। अगर शुक्र आपका मजबूत है या आपका सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत अच्छे लाभ हैं। यानी कि सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड जो भी ग्रह बनता है वो अगर शुक्र के साथ है या शुक्र बन रहा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ रहेगा, तो इसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि घटना, यानी कि ये जो विवाह की जो घटना है वो घटित कब हो सकती है। देखिए, इसमें दो ग्रह होते हैं। सबसे पहले तो गुरु, गुरु जब आपके गोचर में विवाह वाला जो कस्पल सब लॉर्ड है उसके त्रिकोण में और सेवंथ हाउस के त्रिकोण में गोचर करेगा तो आपके विवाह के योग बनेंगे। वो आपको ये भी देखना है कि भाई जातक की उम्र का पड़ाव कौन सा है। ये नहीं कि आप जो है वो कुतर्क करेंगे भाई आपका जो है वो 5 साल के बच्चे के ऊपर भी सेवंथ हाउस के कस्पल सब लॉर्ड में गुरु ने गोचर किया तो शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी जातक की उम्र देश काल और रीति के अनुकूल, जैसे हमारा जो संस्कृति है उसमें 25 वर्ष की आयु के अंदर या फिर 27 वर्ष या 30 वर्ष की आयु में जब शादी होती है, उस टाइम पीरियड के 1-2 साल में अगर सप्तम घर के त्रिकोण के ऊपर, जैसे कि 3रा 7वां और 11वां, इनके ऊपर अगर गुरु गोचर करता है तो आपको विवाह के योग बनेंगे। और यहाँ पे जब गुरु के साथ शनि का भी लिंक बन जाता है तो आपका विवाह उस समय के अकॉर्डिंग होना ही है, यानी उस महीने और आपका उस साल के अंदर आपको विवाह का लाभ मिलेगा। अब इसके प्रोमिसेस क्या है, देखिए विवाह के अंदर जो प्रोमिसेस है वो है 2, 7 और 11। अब इसको आपको कैसे देखना है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कि विवाह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो हम ये मानते हैं कि उसका विवाह होना ही है। बहुत ही कम रेयर केस होते हैं जिनके विवाह रुक जाते हैं, होते नहीं है और टूट जाते हैं, काफ़ी हद तक टूटते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि विवाह टूटा फिर बन गया, फिर वो सेकेंड मैरिज हो या थर्ड मैरिज हो वो चल जाती है, तो विवाह का प्रोमिसिस है। इसका मतलब क्या है कि विवाह के जो संयोग है जैसे 2, 7 और 11, इनको आपको जो है वो ये नहीं देखना कि भाई संपूर्ण लेना है। जैसे बीमारी के जो संयोग होते हैं, कोर्ट केस के जो संयोग है, एक्सीडेंट के जो संयोग है, जैसे 7, 8, 12 है जो एक्सीडेंट का संयोग है, इसको आपको पूर्ण रूप से देखना पड़ता है कि 7, 8 और 12 दिखाएंगे तभी आपको इस तरह की घटना होगी। अब आपने देखा कि 2, 7 और 11, अब इनमें से अगर कोई भी भाव दिखा रहा है, अब इनके सपोर्टिंग भाव भी होते हैं, इनको नुकसान देने वाले भाव भी होते हैं। सपोर्टिंग भाव है 5 और आपका 9। फिफ्थ हाउस जो है वो प्रेम संबंधों को दिखाता है, प्रेम विवाह को दिखाता है और संतान उत्पत्ति को दिखाता है। इसका मतलब है कि संतान की इच्छा के लिए भी हम शादी करते हैं, और दूसरा यानी कि वंश चले, और दूसरा क्या है, हम प्रेम से संबंधित लाभ लेने के लिए भी शादी करते हैं। तो और नवा अगर क्या है, सेकंड मैरिज होती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जन्म कुंडली में 2, 5, 7 और 9, 11 ये जो अगर इस तरह के संयोग दिखाता है तो आपको बहुत अच्छे लाभ होते हैं। अब इसको काटने वाले भाव कौन से, देखिए काटने वाले भाव जो है वो है आपका सबसे पहला तो जो सेकेंड हाउस है उसका 12वां 1, और जो 7th हाउस है उसका 12वां 6, और जो 11th हाउस है उसका 12वां 10। और इसमें एक और भाव है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है आपका चतुर्थ भाव, यानी कि 5वें का 12वां, यानी प्रेम संबंधों को काटना। और कई बार आप देखोगे कि जब आपका जन्म कुंडली में 7th कस्पल सब लॉर्ड जो भी ग्रह बनता है वो अगर 4th हाउस को स्पेशली सिग्निफिकेट कर देता है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो विवाह कभी ना कभी फेल हो जाएगा, या उस विवाह या उसमें प्रेम जो संबंध चल रहा है, जो प्रेम विवाह का योग बना रखा है जातक ने कि भाई मैं प्रेम विवाह करूंगा, तो वो फेल हो जाएगा। जैसे कई लोग प्रेम कर लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद उनके परिवार वाले जो हैं वो राजी नहीं होते हैं या कुछ भी तरीके से, तो वो जो प्रेम संबंध फेल हो जाता है उसमें हम 4th हाउस के सिग्निफिकेंस को देख लेंगे। जैसे आपके सामने ये जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा और कुछ कुंडलियां जो है उनके ऊपर भी फलित करके बताऊंगा। तो आप ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और यूट्यूब पे ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपको वैदिक ज्योतिष और केपी कृष्णमूर्ति के
लिए जो वीडियोस हैं बहुत सारे मिलेंगे, 500 से भी अधिक वीडियो हमने बनाए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये देखना है कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसके डाटा को डालने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले फर्स्ट कसबा सब लोड। देखिए मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है कि शादी या कोई भी घटना किसके ऊपर होती है, वो जातक के ऊपर, लग्न के ऊपर होती है। तो यहाँ पे आपके सामने जो सॉफ्टवेयर है उसमें देखिए कि लग्न का जो कसबा सब लोड है वो मरकुरी बना। अब यहाँ पे क्या है कि मरकुरी और जो गुरु है ये दोनों द्विस्वभावी ग्रह हैं, द्विस्वभावी राशियों के मालिक हैं, इसलिए इनके द्वारा हम दो विवाह या फिर विवाह के साथ अफेयर चलता रहे इस तरह के संयोगों को भी कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो लग्न का उप नक्षत्र है वो बुध बना। हम यहाँ पे जब भी फलादेश करेंगे तो पॉइंट्स को लेके जाएंगे। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि केपी कृष्णमूर्ति के अंदर प्रोमिसिज एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब कोई व्यक्ति या कई जो लोग होते हैं बड़े होशियार होते हैं, होशियार का मतलब है कि केपी कृष्णमूर्ति के अंदर देखते हैं कि भाई जातक का जो बुध है वो मान लीजिए कोई अशुभ चीज़ दिखा रहा है, विवाह के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो अब हम उसकी कुंडली को देखते हैं, हम कहते हैं भाई विवाह में यहाँ पे दिक्कत नजर आ रही है, तो कहता है कैसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जातक की जो पूरी उम्र है उसी को आधार मान के प्रोमिसिस होते हैं। अब आप ये देखोगे भाई हमने कह दिया कि भाई हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कुंडली का प्रोमिसिस दिखा रहा है। अब आप कहोगे नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, अरे भाई आगे उम्र तो जियो, क्योंकि ये प्रोमिसिस हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जातक को कम से कम 50-60 वर्ष की आयु जब तक होगी तब तक उसको इस तरह के परिणाम मिल जाएंगे। तो यहां पे हम बात कर रहे थे फर्स्ट कसबा सब लोड पे। तो लग्न का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो बुध बना है, बुध यहां पे जन्म कुंडली में 6th हाउस को दिखा रहा है और 1, 2 और 5 को भी दिखा रहा है। और ये किन किन कसब का मालिक है देखिए, 1, 2, 3, 5, 8 और 9, यानी कि बुध जो है इस जन्म कुंडली का एक बहुत ही पावरफुल मेन ग्रह बन गया है, क्योंकि वो 6 भावों का कस्प सब लोड है, यानी कि 6 भावों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, यानी कि लग्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन भावों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ है। अब जो शुक्र है वो सीधे ही 6th हाउस को सिग्निफिकेट कर रहा है और अपने जो भाव है 1, 2 और 5 इनको भी सिग्निफिकेट कर रहा है और अपने ही नक्षत्र में है, गुरु के उप नक्षत्र में है। तो यानी कि जातक का जो मन है, जातक की विवाह के प्रति जो उसका आंकलन है, जो उसका हम ये कहेंगे कि उसका जो मन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट है या डिले है। और विवाह विवाह तो होगा क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के हमें सहयोग मिल गए हैं, इसका मतलब है विवाह तो होगा, लेकिन 6 इसमें स्ट्रांगली सिग्निफिकेट कर रहा है, द्विस्वभावी ग्रह है, इसका मतलब जातक थोड़ा सा लेट करेगा जैसे सेकंड मैरिज की उम्र के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि भाई जातक जो है वो 30 वर्ष की आयु के अंदर विवाह का योग बना सकता है, या 30 वर्ष में या 32 वर्ष में आयु में योग बन सकता है। और हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें हम जो है विवाह के लिए 25 वर्ष, 24 वर्ष और 27-28 वर्ष तक हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले का योग बन रहा है क्योंकि वो 6 था यहाँ पे साथ में। अब ये 6 यहाँ पे तलाक भी दे सकता है, लेकिन हमने अभी एक पॉइंट लिया है, देखिए आप कभी भी चीज़ को क्लियर ही मत करिए जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हो। तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया कि भाई बुध कह रहा है कि या तो 2 शादी कराऊंगा या फिर डिले कर दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह का योग मिला है, बुध बुध के ही नक्षत्र में था और गुरु के उप नक्षत्र, गुरु यहाँ पे 6 और 9 और 12 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि विवाह में अड़चने हैं, विवाह दूर होगा और विवाह जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेकंड मैरिज में भी जा सकता है, पहला विवाह टूट के। ये हमें लग्न ने प्रॉमिस दिया है, लग्न ने। अब हमें 7th कसबा सब लॉर्ड पे जाना पड़ेगा, यानी कि वो क्या कह रहा है। तो आप यहाँ पे जाइए 7th कसबा सब लॉर्ड पे। तो 7th कसबा सब लॉर्ड ई लिखा हुआ, इसका मतलब इप्टी, यानी कि कोई जो ग्रह है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे वीनस जो है वो शुक्र बैठा है। इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो शुक्र है वो भाव चलित में कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 6ठे घर में आ जाएगा या फिर जो है वो आपका 8वें घर में आ जाएगा, यानी कि इस जन्म कुंडली में। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑक्यूपाइंट, तो यहाँ पे देखिए कि जो 7th हाउस है वो एम्प्टी है, लेकिन ये वीनस जो है वो 8th हाउस में चला गया, यानी कि शुक्र का 8th हाउस में जाना शुभ नहीं है, जातक को कई सारी अड़चने रहती है। अब 7th कसबा सब लॉर्ड जो है वो वीनस बना, यानी कि शुक्र, और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस में बैठा है और भाव जलित में आपके 8वें घर में बैठा है। शुक्र क्या दिखा रहा है, शुक्र दिखा रहा है 8 और 6, 8 और 6 यानी कि परेशानियां, 6 भी आ गया है 8 आ गया, 8 का मतलब है कॉम्प्रोमाइज करना। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हमारा विवाह जो है वो देरी से हो रहा है, तो हम सोचते हैं भाई अब जो हो रहा है जैसा हो रहा है करो, जैसे कि मान लीजिए कि लड़की की उम्र जो है वो थोड़ी सी बड़ी है लड़के की या लड़की की, लेकिन हम सोच रहे हैं चलो हम भी अब कुंवारी रहने से बढ़िया है कि शादी करूं, या फिर जो है वो सामने वाली पार्टी अच्छा नहीं कमा रही है, वो अच्छे पैसे वाले नहीं हैं, तो हम ये जो छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं हमें तो लड़की चाहिए,
यानी कि वो जो कॉम्प्रोमाइज जो शब्द आ गया है वो 8th हाउस के जुड़ने से आ गया है और 6th हाउस के जुड़ने से आ गया है। इसको आपको यहाँ पे समझना होगा। अब यहाँ पे आपको शुक्र जो है वो अनटेनेंटेड है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने 6th हाउस के जो प्रोमिसज है वो स्ट्रांगली देगा। और 6th और दूसरा क्या है कि शुक्र जो है वो 7, 10 और 11 ये तीनों कस्प के जो सब लॉर्ड है वो है, यानी कि इन तीनों भावों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शुक्र के ऊपर है, यानी कि 11th हाउस की भी। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको यहाँ पे शुक्र विवाह जरूर करा देगा। अब विवाह डिले होगा या कॉम्प्रोमाइज होगा उसको भी अपन कंफर्म करते हैं। शुक्र यहाँ पे जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य 6 और 4 दे रहा है। अब यहाँ पे हम पूर्ण रूप से इसको देखते हैं तो शुक्र 6, 8, 4 दे रहा है और 6 दे रहा है, यानी कि ये अपने संयोगों में कहीं पे भी 2, 7, 5, 11, 9 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तो विवाह में डिले करेगा या विवाह को होने नहीं देगा या विवाह को तोड़ देगा। अब तोड़ने का भाव हमने बताया था 4th। इसे और अच्छे से देख लेते हैं। सूर्य जो है यानी कि जो शुक्र है इसका जो नक्षत्र था वो सूर्य था। सूर्य यहाँ पे 6, 4, 1, 2 और 4 दे रहा है, यहाँ पे हमें 6 मिला। इसका मतलब क्या है कि जातक का यहाँ पे स्ट्रांगली इसका जो सब लॉर्ड है, यानी कि आप ये माने कि जो सब लॉर्ड शुक्र है उसका स्टार लॉर्ड सूर्य जो है वो यहाँ पे स्ट्रांगली विवाह को तलाक में तब्दील कर रहा है, यानी कि विवाह को फेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4th भी मिल चुका है। अब यहाँ पे जो शुक्र है उसका जो सब लॉर्ड है वो है राहु। राहु यहाँ पे 6, 12 और 4 दिखा रहा है, यानी कि कोई भी प्रोमिसज नहीं है। तो राहु की यहाँ पे चलेगी तो यहाँ पे 6 और 12 और 4 दिखा रहा है। 12 आ गया यानी कि खर्चा आपका जो है वो नुकसान होना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये क्लियरली बन चुका है कि जब तक कि पहली मैरिज टूटेगी और फिर सेकेंड मैरिज के योग बनेंगे, ये यहाँ पे कुंडली में यहाँ पे निश्चित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो है शुक्र 6, 8, 4 दिखा रहा है, यानी कि 4 को भी स्ट्रांगली दे रहा है और 6 को भी अपने, क्योंकि वो अनटैलेंटेड है। इसका मतलब है वो 6th हाउस के परिणाम फिक्स रूप से देगा ही देगा। यहाँ पे जो कस्प सब लॉर्ड बुध बना था 1st हाउस का, वो जो 2 मैरिज दिखा रहा था वहाँ पे इस तरह का सहयोग बनेगा ही बनेगा। अब आपको क्या करना है, इतनी सी बातों के अलावा अब कुछ थोड़ा सा आगे चलना है। आगे चलने में क्या होगा, हम इसके ऊपर कोई ना कोई दृष्टि देख लेते हैं। अब यहाँ पे 7th जो कस्प सब लॉर्ड है इसके ऊपर शनि की 44 डिग्री यानी कि 45 डिग्री के लगभग की अशुभ दृष्टि चलेगी। वो काफ़ी अशुभ होती है, 45, 19 ये जो दृष्टियाँ होती है वो काफ़ी अशुभ होती है। तो हम ये कहेंगे कि जातक को यहाँ पे शनि के द्वारा डिले आने का योग बन रहा है। शनि क्या करता है, जातक को देरी से विवाह करवाता है, कॉम्प्रोमाइज मैरिज करवाता है। तो यहाँ पे शनि का जो 8वें घर में बैठना जातक के लिए इस तरह का योग दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि जातक को यहाँ पे थोड़ा सा डिले या फिर जो है वो सेकंड मैरिज में जाएगा। जबकि हम यहाँ पे फलादेश में ये पा रहे हैं कि यहाँ पे जातक का पहला मैरिज फेल होके सेकंड मैरिज में जाएगा। और इसमें अब देखिए कि विवाह कब होगा, तो जो आपका सेकेंड भाव है यानी कि जो इसमें सेकेंड कस्प है उसके ठीक सामने वाले ग्रह, उसके बाद जो है 7th हाउस के ठीक सामने वाले ग्रह और आपके 11th हाउस के ठीक सामने वाले ग्रहों की जो इनमें ए टाइप में स्ट्रांग है बी टाइप में स्ट्रांग, उन ग्रहों की दशा अंतर दशा में विवाह होगा। यानी कि हमें जातक का आइडियल एक उम्र ले लेनी है, जैसे 22 वर्ष या 25 वर्ष, उसमें जो ग्रह की दशा अंतर दशा चलेगी, जो इनमें सेकंड और आपका 7th और आपका 11th इन तीनों कस्बों के सामने अगर जो ग्रह होंगे उनको लेना है। और जब हमने वो टाइम थोड़ा सा निकाल लेते हैं कि भाई हमें ये लग रहा है कि भाई इसका जो शादी है वो 2044 में या 45 में जो है वो इस समय होने वाला है, उस समय गुरु के गोचर को देख लीजिए। अगर गुरु का गोचर उसके सप्तम घर के त्रिकोण पे है तो उस समय उस जातक की शादी यानी कि आपने जो परिणाम निकाला वो काफ़ी हद तक सही निकलेगा और उस समय जातक की शादी हो जाएगी। तो आने वाले वीडियो में हम इस तरह के जो फलादेश वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको 7th कस्पल सब लॉर्ड के साथ जो आपको 1st कस्पल सब लॉर्ड को भी देखना है, क्योंकि जातक की जो इच्छाएँ हैं जो मन की जो कामनाएँ हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग विवाह चलता है। तो यानी कि जातक की इच्छा है भाई जल्दी विवाह करने की, जातक की इच्छा कि भाई मैं सेटलमेंट करूं मकान गाड़ी ले लूं उसके बाद विवाह करूं, जातक की इच्छा कि भाई मैं अपना व्यवसाय सेटल करूं उसके बाद जो है, या जातक की इच्छा कि मैं मैच्योर हो जाऊं पूरा एकदम 30-35 वर्ष की उम्र ले लूं उसके बाद जो है वो शादी करूं, और या फिर कुछ लोग जो होते हैं भाई हमारी तो उम्र हो गई 25 वर्ष अब हम शादी करेंगे कोई बात नहीं हो जाएंगे सेटल होते रहेंगे जीवन में बस शादी जरूरी है वो करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगन से आएगी और इसके बाद 7th कस्ब का सब लोग। तो आज का ये जो वीडियो था ये 7th कस्ब सब लॉर्ड पे था, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।